टाइटल मेटा डेटा यूट्यूब पॉलिसी 2021, ये क्या है और इससे कैसे आप अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिसलीडिंग टाइटल में आती हैं और इनको कैसे आप मिसलीडिंग टाइटल की नई पॉलिसी में किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूँ इमरान सिकंदर और आप देख रहे हैं बिगनर्स जर्नी। चलिए चलते हैं वीडियो के डिटेल में। तो फ्रेंड्स, मिसलीडिंग टाइटल क्या होता है? जैसे कि इससे आप गेस कर सकते हैं कि मिसलीडिंग टाइटल का मतलब होता है कि अगर आपने एक वीडियो बनाई है जिसके आपने उसके टाइटल में आपने लिखा है कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, और आगे आप उसका थंबनेल में लिखते हैं कि हाउ टू मेक अ फेसबुक पेज, और उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट, तो इसका मतलब है कि आपके टाइटल मिसलीड कर रहा है आपके यूट्यूब कंटेंट को। इट मींस कि आपने जो एक वीडियो बनाई है उसमें कुछ और दिखाया है और आपका जो टाइटल है वो कुछ और कह रहा है। इट मींस कि आपका टाइटल ऑडियंस को मिसलीड कर रहा है। तो ये होता है टाइटल मिसलीडिंग। टाइटल मिसलीडिंग बेसिकली मेटा डेटा यूट्यूब पॉलिसी में आता है और उसी की एक टर्म है ये। टाइटल मिसलीडिंग की जो नई पॉलिसी यूट्यूब ने अभी हाल ही में अपडेट की है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो लोग अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा टाइटल देते हैं कि हम आपको कोई ऐसा तरीका बताते हैं कि जिससे आप एक दिन में $1,00,000 अर्न कर सकते हैं, तो ये भी टाइटल मिसलीडिंग या मिसलीडिंग मेटा डेटा पॉलिसी में आता है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं, इसके 100% चांसेस हैं कि आपको स्ट्राइक आ सकती है, और स्ट्राइक नहीं बल्कि इस पॉलिसी की वायलेट करते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है और परमानेंटली किया जाता है। उसके अलावा मैंने अक्सर ये चीज़ें नोट की हैं, हमारे बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात जिनको अब खुदाई हदायत दे क्या कह सकते हैं, उनके अगर आप थंबनेल देखें तो थंबनेल में वो लिखा होता है कि जो जिसका दूर दूर तक उनके कंटेंट से वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं होता। टाइटल से रिलेटेड कि अगर आपने टाइटल वीडियो के कंटेंट से बिल्कुल डिफरेंट लिख दिया है तो इसको भी मिसलीडिंग टाइटल में कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा आपका टाइटल अगर आपकी टैग्स और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता तो इसको भी मिसलीडिंग कंटेंट या मिसलीडिंग टाइटल में कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अगर आप हैशटैग्स की स्टफिंग करते हैं, भरमार कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ करते हैं, तो इसको भी टाइटल मिसलीडिंग कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कोशिश करें कि जो आपका टाइटल है उसको एक सेंटेंस की शक्ल दे के डिटेल्स लिखें, और हैशटैग्स का कम से कम इस्तेमाल करें, 2 से 3 हैशटैग, वो भी जो रेलिवेंट हों आपके उनको यूज़ करें। उसके अलावा टैग्स में इररेलीवेंट टैग्स को उनकी बरसात ना करें, थोड़ा उसका ख्याल रखें। रेलिवेंट टैग्स ऐड करें जो आपके टॉपिक से मिलते हों, जिनका आपका टॉपिक से डायरेक्ट लिंक हो। अगर आप इररेलीवेंट टैग्स ऐड करते हैं वीडियोज़ में तो उसको भी टाइटल मिसलीडिंग कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप थंबनेल में जो आपका टाइटल है उसको अगर आप थंबनेल में कुछ और बताते हैं, टाइटल में कुछ और बताते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप थंबनेल में लिख देते हैं तो ये भी मिसलीडिंग टाइटल में इसको कंसिडर किया जाता है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, टैग्स हो गए, थंबनेल हो गया, ये 3 चीज़ें। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी अगर आपकी ये सेम भी हों तो उसको भी मिसलीडिंग टाइटल में कंसिडर किया जाएगा, वो हैं अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताता हूं कि जिसकी रफ़्तार जहाज़ से ज़्यादा है और वो सिर्फ़ आपको $1,000 में मिल सकती है, तो आई थिंक ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, और ऐसी बात करना कि जो नामुमकिन हो तो ये भी टाइटल मिसलीडिंग में कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोज़, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे टाइटल्स लगाएंगे
तो आपका चैनल डीमोनेटाइज होना ही है। अगर तो आपके थंबनेल में कोई ऐसी न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी के रिलेटेड कोई चीज़ है तो यूट्यूब की क्लियर पॉलिसी है, क्लियर अपडेट आई है कि वो आपको वार्निंग जारी नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट आपको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मिसलीडिंग थंबनेल है तो आपको वार्निंग जारी करेंगे और मे बी स्ट्राइक भी दे सकते हैं। इसके अलावा आता है किसी ऐसे एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस की पिक्स अपने थंबनेल में अगर यूज़ करते हैं कि जिनका आपके कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसको भी टाइटल मिसलीडिंग कंसिडर किया जाएगा और आपको इसकी स्ट्राइक आ सकती है और मे बी आपका चैनल भी डीमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। ऐसे लोगों की पिक्चर्स ना यूज़ करें कि जिनका आपके कंटेंट से कोई ताल्लुक ना हो। एक्चुअली सेलिब्रिटीज, स्टार्स, इनकी पिक्चर्स को अपने थंबनेल में यूज़ ना करें। ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कंटेंट ना करें कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो। दूसरी बात यह है कि अपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में स्टफिंग ना करें। इम्पॉसिबल चीज़ों को आप अपने टाइटल्स में हाईलाइट ना करें, टैग्स में इररेलीवेंट कीवर्ड की स्टफिंग ना करें, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग की स्टफिंग ना करें और अपने थंबनेल को सिंपल और अपने थंबनेल को टाइटल से रेलीवेंट रखें और थंबनेल में किसी भी ऐसी सेलिब्रिटी की पिक्चर को यूज़ ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।